इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। कल होने वाली चुनाव काउंटिंग को लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस बल बड़ी तादाद में मौजूद रहेगा। सीसीटीवी से निगरानी होगी और कड़ी निगरानी होगी। छावनी में तब्दील किए जा रहे हैं काउंटिंग सेंटर। लोकसभा चुनाव के घमासान के बाद आखिरकार कौन सी पार्टी मुल्क की सत्ता संभालेगी, इसका फैसला कल होगा। और क्या बीजेपी की तरह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी करेंगे, या फिर इंडिया अलायंस अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद कोई उलटफेर करने में कामयाब होगा, इसका फैसला कल होगा। कल देश के अलग अलग जगहों पर एक साथ काउंटिंग शुरू होगी और इसके लिए थाने में भी कड़े पुलिस इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इंतजामिया की तरफ से एक डीसीपी, 3 ACP, 20 पुलिस निरीक्षक, 20 पुलिस उप निरीक्षक, 200 पुलिस कर्मियों के साथ SRPF और CRPF की एक एक पलटन भी तैनात कर दी गई है। सभी जगहों को CCTV के दायरे में लाया गया है। कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। कल का दिन बहुत खास है और इसको देखते हुए कल मुंबई के अंदर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और सिक्योरिटी सख्त होने के साथ साथ कड़ी निगरानी भी CCTV कैमरा के जरिए की जाएगी। कल 4 जून को यहाँ पे काउंटिंग होने वाला है। न्यू हरिजन स्कूल ओवड़ा माजीवाड़ा पुलिस स्टेशन कासरवड़ेल के आदि में यहाँ पे मतमोजनी का बंदोबस्त है। उसके बारे में पुलिस विभाग की तरफ से एक पुलिस उपायुक्त, 3 सहायक पुलिस आयुक्त, 20 पुलिस निरीक्षक, 200 पुलिस कर्मचारी, 1 SRPF प्लाटून, 1 CRPF प्लाटून और 1 दंगल नियंत्रण पथक, इतना बंदोबस्त तैनात किया है। इसके बारे में हर पुलिस स्टेशन के एरिया में फिक्स पॉइंट, पेट्रोलिंग बंदोबस्त, विजिबल पुलिसिंग और प्लेन क्लोथ का हमने पूरा बंदोबस्त लगा गया है। नागरिकों को भी आह्वान है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न रखें। तो कल होने वाली काउंटिंग को देखते हुए महाराष्ट्र में कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी से निगरानी होगी। अलग अलग पलटन को भी तैनात किया गया है, चाहे वो CRF हो या फिर दीगर पुलिस महकमे से अधिकारी हो, उन्हें भी ड्यूटी लगाई गई है। उनकी और सख्त निगरानी के बीच काउंटिंग होगी। वाजिर की महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। 48 सीटों पर इलेक्शन कम्प्लीट हो चुका है और कल तमाम रियासतों के रिजल्ट, एक साथ लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर साफ तौर पर यहां सख्ती देखी जा रही है सिक्योरिटी को लेकर, और जगह जगह पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। महाराष्ट्र के 48 सीटों पर कल फैसला आएगा और ऐसे में लोकसभा चुनाव में काउंटिंग को देखते हुए, खासकर महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। CCTV कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, सख्त निगरानी होगी। इसके साथ ही CRPF को भी तैनात किया गया है, अलग अलग पलटन को तैनात किया गया है और पुलिस ऑफिसर्स को भी ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि वो पूरी जिम्मेदारी संभाले और जवाबदेही उनकी रहे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन काउंटिंग जो है पूरा मन तरीके से हो सके, ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। तो कल होने वाली काउंटिंग को लेकर ये खास इंतजाम किए गए हैं। इसमें आपको बता दें कि यहाँ किन किन लोगों को तैनात किया गया है। अगर यहाँ देखें तो पुलिस कर्मियों के साथ साथ SRPF और CRPF की एक एक पलटन भी तैनात कर दी गई है और सभी जगहों को CCTV के दायरे में लाया गया है। कई जगहों पर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह से काउंटिंग में किसी तरह का कोई भी यहाँ दखल खलल ना पड़ सके।